कौन अमीर नहीं बनना चाहता, कौन नहीं चाहता उसके पास पैसे आ जाए। लोग तो पैसे कमाने की अलग अलग तरकीबें लगाते ही रहते हैं, और इसी तरकीब को लगाने के लिए गोरखपुर की एक महिला ने सोचा कि पुलिस वालों को लोग आसानी से पैसे दे देते हैं, और इसी वजह से गोरखपुर में एक महिला फर्जी दरोगा बनकर वसूली करने लगी। गोरखपुर के सरहरी चौक क्षेत्र के महाराजगंज चौराहे पर लोगों से दरोगा की वर्दी पहनकर वसूली कर रही एक महिला को सोमवार को पुलिस ने पकड़ा है। गुलीराहा थाने पर महिला से पूछताछ की गई। पूछताछ में महिला की पहचान रेखा तिवारी के नाम से हुई है। रेखा बिहार सिवान की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से वसूली के इस धंधे में जुटी हुई थी। इसके लिए वो किराए पर कमरा लेकर रहती है और शहर के आसपास के कस्बों में घूम घूम कर वसूली करती थी। बिहार सिवान की रहने वाली रेखा तिवारी का मायका कुशीनगर जिले में है। महिला ने देखा कि पुलिस वालों को लोग आसानी से रुपए दे देते हैं, लिहाजा उसने भी फर्जी दरोगा बनकर वसूली का धंधा शुरू कर दिया। इसके लिए महिला ने पहले वर्दी खरीदी। महिला दरोगा होने के नाते उस पर कम लोग ही शक करते थे, वहीं वो ऐसे लोगों को निशाना बनाती थी जो आसानी से उसे पैसे दे दे। वो शहर छोड़कर छोटे छोटे चौराहों पर वसूली करती थी। बताया जा रहा है कि सरहरी चौक क्षेत्र के महाराजगंज चौराहे पर वो वसूली करने पहुंची थी। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत चौकी के पुलिस वालों से कर दी। चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी जब पहुंचे तो कथित महिला दरोगा वहां से भागने की कोशिश करने लगी। पुलिस वालों ने आईडी कार्ड मांगा और ये जानने का प्रयास किया कि वो कहां पर तैनात है। किसी बात का सही जवाब न देने पर इसकी सूचना इंस्पेक्टर को दी गई और कथित महिला दरोगा को लेकर गुलरेहा थाने पहुंच गए। वहां पूछताछ में उसकी सही पहचान हुई और महिला की पोल खुल गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।